अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। पाकिस्तान हारा एक इनिंग्स और 5 रन से ब्रिस्बेन में, और बांग्लादेश को कोलकाता में शिकस्त हुई एक इनिंग्स और 46 रन से। जी और कल वेंगसुई में इंग्लैंड को शिकस्त हो जाएगी एक इनिंग्स से, बारिश ना हो जाए। बारिश ना हो अगर, तो ये तो कमाल ही हो रहा है। आपको पता है इंडिया ना, की फोर्थ विन एक चीज है पता बाय है, एन इनिंग्स सक्सेसिव। रिकॉर्ड कर दिया ना ये कोहली ने। हाँ जी, आपको पता है एक चीज, क्या जितने इनके पॉइंट्स हैं हाँ इंडिया के, 300 पॉइंट हो गए। 360 होंगे, हाँ तो तमाम टीम के मिला के भी इतने नहीं है। हाँ जी, और ये तो 21 मार्च है, 21 जून 21 जून 2021। नहीं, वो जो फाइनल है हाँ, वो जून है एक 2021। 2021 को फाइनल में तो नजर आ रहे हैं, तो अभी से। हाँ जी, तो दूसरी टीम कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड या अभी ऑस्ट्रेलिया? बहुत टाइम है, अभी बहुत मैचेस हैं। न्यूजीलैंड या एक तो मुझे ऑस्ट्रेलिया? लगता है, हो सकता है गलत भी हो, इंडिया आपको श्योर शॉट नजर आ नहीं, रहा है। इंडिया तो हो गया ये ना। बताएं, इंडिया को अब स्पिनर की जरूरत है? नहीं है, नहीं है किनको? नहीं भाई, जब 95 आउट किए हैं 2019 में, जी। 15.16 की एवरेज है और 31.06 यानी कि 0.06 वो आपका स्ट्राइक रेट है। वो भाई जब 95 आउट कर दिए जो हैं, फास्ट बॉलरों ने जिसने कमाल है। 50-60 साल डोमिनेट किया स्पिन डिपार्टमेंट में, या अब वो रूल कर रहा है वर्ल्ड के ऊपर फास्ट बॉलिंग में। क्योंकि आज से 25 साल पहले MRF एकेडमी शुरू हुई थी, ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, था। रिक्वायरमेंट भी देखे ना, या रिक्वायरमेंट जैसे होती रही वो करते रहे। अब ये चाहे कोलंबो में मैच हो, चाहे सिडनी में मैच हो, चाहे पर्थ पे हो, चाहे लॉर्ड्स पे हो, चाहे जोबर्ग में हो, तो ये टीम मजबूत नज़र आ रही है। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ और एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया हुआ करती आप थी। बड़े खुश हो रहे थे कि आपने कहा था ईशांत शर्मा 5 आउट करेगा, तो आप जो सही हो गए थे। मैंने कहा था यादव यार आउट करेगा यार, पांच यार वो मुझको यादव ने 5 आउट कर दिए। याद है, क्योंकि तेज निकल रही थी, जरा जोर लगा दिया। और शर्मा भाई एक 4 पे ही रह गए, ही एंड पे खड़े रह गए। बट एनीवेज, ये वन साइडेड मैच था। बांग्लादेश नो वेयर इन टेस्ट मैच क्रिकेट। वी आर ग्रेट फैंस ऑफ देयर एटीट्यूड विद वाइट बॉल, लेकिन शकीब उल हसन और तमीम इकबाल के बगैर तो ऐसे लग रहे हेडलेस हैं बिल्कुल। बिल्कुल। और मुशफिकुर रहीम ने सैफ रेजिस्टेंस शो करने सैफ उद्दीन भी को, तो एक थे ऑलराउंडर, हाँ जी वो भी मिसिंग है, वो भी मिसिंग है। और बाकी जो आए थे प्लेइंग में वो भी मिसिंग हो गए। ऊपर से इलियास सनी की कुट लगा दी शहादत हुसैन ने और 5 साल के लिए बैन हो गए। और वो, अच्छा आपको पता, 5 साल बैन नहीं था, 2.5 साल था। 2.5 साल 5 साल पता क्यों हुआ? था। क्योंकि वो 2 दफा पहले ये हरकत कर चुके हुए हैं, अपने घर में भी और बाहर भी। नहीं यार, हाँ, तो उनका एटीट्यूड ही ऐसा है। शादत भाई से बच के रहिएगा, हाँ शादत कुट कुट लग सकती है। एनीवेज, बांग्लादेश नहीं, नॉट अप टू द मार्क इन टेस्ट मैच क्रिकेट। क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में, उन्होंने हामी भरी। सौरव गंगोली का बड़ा किरदार है कि उन्होंने पहले इंडियन प्लेयर्स को रेडी किया कि हम डे नाइट खेलने जाएंगे। उसके बाद आने के बाद उन्होंने बीसीपी बीसीसीआई कौन से बीसीसीआई बांग्लादेश बीसीबी बीसीबी को किया, और उन्होंने हामी भरी। हालांकि उनकी इतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी, पता था हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आ गए यार टेस्ट क्रिकेट को। फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर भी आई हैं। हाँ, मुझे ये समझाएं कि इधर तो बनता था मुस्तफिजुर्रहमान खेलना, वो क्यों नहीं खेला? शायद अनफिट हो। हाँ, क्योंकि वो तो इधर वही तो बनता था। लेकिन कोई भी खेल लेता सर, अगर रन ही नहीं करेंगे, 100 रन पे आप आउट हो रहे हैं, 2 घंटे में टेस्ट मैच खत्म हो गया। अंदाजा लगा ना, 2 घंटे में टेस्ट मैच खत्म हो गया, क्योंकि 2 घंटे में ही आउट हो गए वो लोग, वो हो गया। लेकिन आप ये बताएं कि टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर पिंक बॉल है? यार पिंक बॉल पे बहुत बड़ी डिबेट है, इस पर एक पूरा प्रोग्राम करना है। इसमें करेंगे, मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी है सर, आप करें रिसर्च। पिंक से ऑरेंज बहुत बेहतर है। मैं देखे ना, जो टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करना है वो प्लेयर्स का काम है, वो क्रिकेट छोड़ के ना जाएं। हमारे यहाँ भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए, और इसको ऑन करेगा क्रिकेट बोर्ड, वही इसको प्रमाण चढ़ा सकता है, क्रिकेटर्स ही कर सकते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेसमैन है वो, देखेगा एक का दो कहाँ होगा, वो छोटी क्रिकेट को, उसको समझ, क्रिकेट की समझ ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट पे वो हाथ डालेगा जिसको क्रिकेट की समझ है। बिल्कुल है, और ये बहुत अच्छा होता जा रहा है जी। व्यापारी नहीं, व्यापारी का काम नहीं है टेस्ट क्रिकेट। ग्राम स्मिथ को हम सुन रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बोर्ड में जा रहे हैं, गंगुली इधर आ गए हैं, एटलीस्ट अब सेन वॉइसेस, टेक्नोक्रेट्स की वॉइसेस ICC में सुनी जाएंगी, और टेस्ट क्रिकेट शायद इसको फर्दर बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई जी सर, ये जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है, ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं है? दिस इज शॉकिंग। मुझे भी अभी आपने बताया नहीं है,
ये यार ये रिसर्च करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। मुझे नहीं अंदाजा। हाँ ये चेक करना पड़ेगा। बीजे वॉटलिंग मार गया बेचारा 200 करके। नहीं 200 नहीं, टेस्ट मैच तो है ना सर। हाँ टेस्ट मैच तो है और 126 किया सेंटनर ने और फिर तीन उतार भी दिए 6 रन देके 53/3 सर। ये कोको पूरा बॉल को कुछ करना पड़ेगा। 615 ड्रॉपिंग पिच में कोको 100 पे 4 आउट 615 नॉट डिक्लेयर। इंग्लैंड थक गया। 347 इंग्लैंड ने भी किया हुआ था। स्पिनर बहुत अच्छा चाहिए होगा इंग्लैंड को मेरे ख्याल से चैंपियनशिप में वापस आने के लिए। ने दे दिया पौने 200। चलो इंडिया पे कर लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं कि आईसीसी चैंपियनशिप जो हो रही है, टेस्ट चैंपियनशिप होती है, हो रही है, इसमें जो बड़ी सीरीज है इनकी होगी इंग्लैंड से होगी और ऑस्ट्रेलिया से, वो डिसाइडर होगा या डिसाइड हो चुका है कि फाइनल में इंडिया तो जाएगी। इंडिया का मार्जिन बहुत हो गया है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के भी रैंकिंग में भी मार्जिन बहुत ज्यादा है इनका, बहुत मार्जिन है। तो प्रोबेबली इंडिया मुझे तो क्वालिफाई, और बड़ी ज्यादती होगी अगर इंडिया फाइनल ना खेले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, क्योंकि क्वालिटेटिवली इंडिया की टीम बहुत ऊंची है इस वक्त टेस्ट मैच क्रिकेट में। अब देखना ये होगा कि ऑफ शोर कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वो बातें अभी शुरू हो गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉर इंडिया इस टीम के साथ खेलने के लिए इन ऑस्ट्रेलिया, वो बातें शुरू हो गई हैं। बाकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम अनाउंस कर रही थी कुछ दिन पहले की थी, उसमें भुवनेश्वर कुमार आ गए, T20 में भी आ गए, वनडे में भी आ गए, और यादव दोबारा आए वनडे में। यादव हाँ वनडे में, कैसा देखते हैं आप वेस्ट इंडीज से? 3 T20 हैं पहले, फिर 3 वनडे हैं, क्लीन क्लीन स्वीप। T20 में शायद फाइट कर सके, क्लीन स्वीप कैसे यार? क्लीन स्वीप क्या इतने ब्लाइंड कॉन्फिडेंस डाल रहा है डॉक्टर का? क्लीन स्वीप, इंडिया विंस 3-0 T20 में शायद कहते हैं एक आध मैच ऊपर नीचे हो सकता है, मुश्किल है। ठीक है मैं मान रहा हूँ कि केवरन पोलार्ड आ गए हैं कप्तान। हाँ पोलार्ड आए, शायद ब्रावो भी आ जाए, अभी तो अनाउंस तो नहीं हुई उनकी टीम। हाँ लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है मान जाए। कॉट बिहाइंड, कॉट बिहाइंड।